बढ़ते आगे, 6 दिसंबर 2015 को बल्लभगढ़ में डीजे पर नाच रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी 50,000 के नामी दीपक को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच इंचार्ज विमल की माने तो बल्लभगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस करने को लेकर आरोपी दीपक की एक व्यक्ति से कहासुनी हो गई थी, जिस पर आरोपी ने उस व्यक्ति को मौके पर ही गोलियां से भून दिया। इस दौरान 2017 में आरोपी दीपक और बलराज भाटी को पुलिस ने गुड़गांव के खांडसा गांव के पास घेर लिया, जहां बलराज भाटी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और आरोपी दीपक पुलिस के हाथों बचकर निकल गया, जिसके बाद वो होटल में छिपा हुआ था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक है कि एनकाउंटर में मारे गए बलराज भाटी की AK-47 गन आरोपी दीपक के पास है, जिसके पूछताछ के लिए पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन का रिमांड मांगा है। ये कल रात को ही हमने पकड़ा है दीपक पुत्र वीरेंद्र। ये सहराला गांव का रहने वाला है, जो सदर कॉलोनी में पड़ता है। 2015 में सिटी बल्लभगढ़ में डीजे पे डांस करते हुए कुछ लोगों से इनकी कहासुनी हो गई थी, जहां पर इन्होंने गोली चलाकर एक आदमी को मार दिया था। उसी में इसकी गिरफ्तारी हमने कल रात को की है। हरियाणा सरकार की तरफ से इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। तो इसके अलावा भी किसी और किन्हीं मामलों में इसका कोई संबंध मिला है? हाँ, अभी तक की पूछताछ में यही मामला सामने आया है। 2 और मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। एक गुड़गांव में 2017 में हमारी टीम थी, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और गुड़गांव क्राइम ब्रांच से साथ जाके वहाँ एक हमने इनका वो किया था ऑपरेशन, जिसमें ये बच के भाग निकलने में कामयाब हो गया था। बलराज भाटी भी उसमें था, वो भी बच के निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन इनके 4 साथी हमने वहाँ से हथियारों से अरेस्ट किए थे। उस समय इसको चोट भी लगी थी शायद, जो है। हाँ, उस समय चोट इसको लगी थी, तो उसका अंदाजा हमें नहीं है। जो पकड़ में आए थे उनको, उनमें से एक आदमी को गोली, पुलिस की गोली लग गई थी पैर में। पैसे की बात करें तो इसके अलावा कोई पैसा इसका, कोई जैसा घर के लिए कोई पैसा क्या करता है ऐसे? ये कुछ नहीं, खेती बाड़ी का काम था इनका पहले उसके, लेकिन 2015 के बाद से ही फरार चल रहा था ये। तो होटल में ज्यादातर रब्बो नाम का अपराधी है, उसके साथ उनके घरों में इसका आना जाना था, और वहीं ये इसकी मुलाकात भी बल्लाल भाटी से वहीं पे हुई थी।